बुरहानपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है और इन कॉलोनियों में सुविधा के नाम पर केवल लोगों को गुमराह करके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करने की साथ ठगी की जा रही है। इसी के चलते यहां जिला प्रशासन ने अब इन कॉलोनियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद से करीब 13 कॉलोनियों को नोटिस जारी किया गया है। कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। कॉलोनाइजर ने ग्राहकों को पानी, बिजली, रोड सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया, लेकिन ये वादे खोखले साबित हुए। जबकि कॉलोनी वासी मकान बना चुके हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। 2016 के पूर्व काटी गई कॉलोनियों को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार वैध करने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही जो कॉलोनियां 2016 के बाद काटी गई हैं, उन पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है। एसडीएम साहब के यहाँ कि हम जो कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, पाटीजा कॉलोनी के अंदर, ना हमें पानी दी जा रहा है, ना लाइट की सुविधा है, ना नाली की सुविधा है, तो इसके लिए हम शिकायत करने के लिए एसडीएम साहब के आए थे। कितने लोगों का मकान है वहाँ पर? हमारे मकान है 50 से 60 मकान बने थे और 2016 से। कब करी थी रजिस्ट्री आपने? 2016 में। क्या बोला था कॉलोनाइजर ने तब? कॉलोनाइजर ने ये बोला था कि हम तुम्हें पानी देंगे, लाइट देंगे, नाली देंगे, और उसके बाद हम रहने भी चले गए तो हमने कोई पानी की सुविधा ही नहीं है। तो पाटीदा कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं तो उसके अंदर पानी, लाइट और नाली की बहुत समस्या है। इनको बार बार बोलो तो बोलते हैं कि अभी कर देंगे, आज कर देंगे, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास में। और बिजली का बिल तो इतना आ रहा है कि हम भर भर के थक चुके हैं। मैं 300 पर उस कमाने वाला दूँ पानी का। ये सब देने का वादा करे, देने का वादा करे, वादा पूरा कर ही नहीं रहे। शिकायत लेकर आए थे कॉलोनी के 12-13 प्रकरण हमारे एसडीएम ने अपने न्यायालय में दर्ज किए हैं और इमागेज, मोहम्मदपुरा एवं आसपास की भी कई कॉलोनियों में ऐसी शिकायतें आई हैं। इसमें पूर्ण प्रक्रिया किस तरीके से करनी है हमने अपने एसडीएम को बताया, उनके माध्यम से प्रकरण मेरे न्यायालय में प्रस्तुत होगा और हम उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनको अनुमति देंगे और उसके उपरांत कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स पे भी कार्रवाई करेंगे।